अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जनाब हम फ्लॉलेस फाउंडेशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। मेरे पास 5 से 6 रूल्स हैं ऐसे, या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपने हमेशा फाउंडेशन अप्लाई करते हुए अपने दिमाग में रखने हैं, या कोई भी फाउंडेशन ट्यूटोरियल देखते हुए अपने दिमाग में रखने हैं। एंड होपफुली विद दैट यू बी एबल टू कम अप विद अ फाउंडेशन रूटीन। आप ऐसी फाउंडेशन रूटीन अपने लिए स्ट्रेटेजाइज करने में कामयाब हो जाएंगे जिससे आप खुश होंगे और सेटिस्फाइड होंगे। बहुत साल पहले मैंने इससे बहुत मिलती जुलती एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन एक तो ये कि उस वीडियो में हमने टेक्निक्स की भी बात की थी, एप्लीकेशन की भी बात की थी। वो वीडियो बहुत लंबी थी और दूसरा वो वीडियो ए टू जी मुकम्मल अंग्रेजी में थी। तो आज इसलिए मैं ये वीडियो छोटी सी अपलोड कर रही हूँ। आज हम इसमें सिर्फ प्रिंसिपल्स और बेसिक रूल्स की बात करेंगे। वी कॉल देम 5 रूल्स फॉर फ्लॉलेस फाउंडेशन, और एप्लीकेशन की बात हम फ्यूचर किसी वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। सो चले विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू टुडेज़ वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा पोलाइट रिमाइंडर, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, उसके साथ बेल के निशान को भी प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसको थम्स अप दें, और अपने कोई भी कॉमेंट्स, कंसर्न्स, क्वेश्चंस कुछ भी हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में छोड़ दें। ऑल ऑफ दिस विल हेल्प दिस चैनल ग्रो एंड आई रियली ट्रूली अप्रिशिएट इट। सो चले विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू टुडेज़ वीडियो। ओके जनाब, सो फ्लॉलेस फाउंडेशन का फर्स्ट रूल ये है कि यू हैव टू बाय द राइट फाउंडेशन। आपके पास जो फाउंडेशन है वो सही फाउंडेशन होनी चाहिए, वो आपके शेड की फाउंडेशन होनी चाहिए, वो आपकी स्किन टाइप की फाउंडेशन होनी चाहिए। फाउंडेशन यूनिवर्सल नहीं होती, हर फाउंडेशन हर शख्स को सूट नहीं करती। अगर आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर है और वो किसी एक पर्टिकुलर फाउंडेशन को लगा के बहुत हसीन लगता है और आपका दिल करता है वो फाउंडेशन खरीदने का, तो इस बात को जहन में रखें कि मे बी आपका स्किन टाइप उस बंदे के स्किन टाइप जैसा ना हो, मे बी आपके ऊपर वो फाउंडेशन उतनी अच्छी ना लगे। इसलिए मेक श्योर कि जो फाउंडेशन आप ले रहे हैं वो आपकी स्किन नीड्स के हिसाब से हो, आपके कम्प्लेक्शन के हिसाब से हो, आपके आप जिस एरिया में रहते हैं उसके मौसम के हिसाब से हो। हर फाउंडेशन गर्मी के लिए नहीं होती, हर फाउंडेशन सर्दी के लिए नहीं होती, हर फाउंडेशन एक जितनी उसका वेयर टाइम नहीं होता। कीप ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन माइंड। मैंने एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी ऑन सेलेक्टिंग द राइट फाउंडेशन, मैं उस वीडियो को ऊपर यहाँ लिंक कर दूंगी। उसमें मैं बात कर रही हूँ कि आप अपनी फाउंडेशन जो है वो किस तरीके से खरीदें, अपना शेड कैसे मैच करें, अपनी नीड्स को किस तरह से जहन में रखते हुए कैसे यू हैव टू पिक द राइट फाउंडेशन। सो पहली चीज़ तो आपने इस चीज़ को जहन में रखनी है कि कभी भी ऐसी फाउंडेशन आपके ऊपर फ्लॉलेस नहीं लग सकती जो आपकी स्किन टाइप के लिए, आपके कम्प्लेक्शन के लिए आइडियल ना हो। दूसरे जिस प्रिंसिपल या रूल की हम बात करेंगे फ्लॉलेस फाउंडेशन, वो ये होगा कि जहाँ जहाँ मुमकिन हो वहाँ वहाँ आप करेक्शन पे काम करें, कवरेज पे कम से कम काम करें। कुछ लोग तो होते हैं वो शौकिया फुल कवरेज फाउंडेशन लगाते हैं, उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती, दे जस्ट लाइक द लुक ऑफ इट, उनकी बात छोड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़रूरत के तहत फ्लॉस को छुपाने के लिए, अपने स्किन के मसाइल को छुपाने के लिए फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। मसलन उन्हें हाइपर पिगमेंटेशन है, एक्नी के स्कार्स हैं, डीकलरेशन हुई भी है, लार्जर पोर्स हैं, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स समवन इज़ ट्राइंग टू हाइड व्हेन दे अप्लाई फाउंडेशन। मेरी आपको रिकमेंडेशन ये होगी कि इन चीज़ों को कवर करके छुपाने के बजाय इनका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढें। किसी अच्छी बहुत महंगी फाउंडेशन पे इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे स्किन केयर पे इन्वेस्ट करें, ताकि वो मसाइल लॉन्ग टर्म में हल किए जा सके। शॉर्ट टर्म में मेकअप उनका हल ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यू हैव टू लाइक थिंक अबाउट करेक्टिंग दीज फ्लॉज। कोशिश ये करें कि आप उसकी करेक्शन या उस मसले के हल के बारे में भी सोच रहे हैं साथ साथ, और इन द लॉन्ग रन यू आर वर्किंग टूवर्ड्स करेक्टिंग दैम एज वेल। तीसरा रूल ये होगा जनाब कि जहाँ आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है वहाँ आप अप्लाई ना करें। हम मेकअप ट्यूटोरियल्स देखते हैं और मेकअप ट्यूटोरियल्स में कंसीलर लगा रही होती हैं लड़कियाँ, ऑल द वे हेयर हेयर हेयर, तकरीबन सारे चेहरे पे एक लेयर फाउंडेशन की लग रही होती है, फिर एक लेयर कंसीलर की भी लग रही होती है। मैं ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आप चाहते हैं आपकी फाउंडेशन फ्लॉलेस लगे और नेचुरल लगे और आपका चेहरा केकी ना लगे, तो यू हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड कि जिस प्रोडक्ट की आपको जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक पोर फिलिंग प्राइमर आपको सिर्फ यहाँ लगाने की ज़रूरत है। अगर आपके अमूमन लार्जर पोर्स यहीं होते हैं लोगों के, सो आपको सिर्फ यहाँ उस पोर फिलिंग प्राइमर को लगाने की ज़रूरत है। इन एरियाज़ में आपको इन जॉ लाइन के पास उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो प्रोडक्ट को पाइल ऑन ना करें, जहाँ आपको जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे टारगेटेड एरिया पे अप्लाई करें, पूरे चेहरे पे उन प्रोडक्ट्स को मत लगाएं जिनकी पूरे चेहरे को ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कवरेज वाइज भी, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए तो आप दूसरी लेयर फाउंडेशन की यहाँ लगा सकते हैं। अगेन, अगर आपको जॉ लाइन के पास एक्स्ट्रा कवरेज नहीं चाहिए तो डोंट अप्लाई टू मच फाउंडेशन और लाइक एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ फाउंडेशन इन एरियाज ऑफ योर फेस जहाँ आपको उसकी ज़रूरत नहीं है।
चौथा रूल या प्रिंसिपल यही होगा कि हमेशा थोड़े प्रोडक्ट से शुरू करें। बाय प्रिंसिपल ये बात अपने जहन में रखें कि चाहे आपका इंस्टिंक्ट आपको बता रहा हो या चाहे जैसे मैंने आपको पहले कहा यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हम देखते हैं, डिफरेंट वीडियोज़ देखते हैं, उसमें लोग पूरे ट्राइंगल्स बनाते हैं कंसीलर के, सारे चेहरे पर तकरीबन कंसीलर लगाते हैं, दो तीन पम्प्स फाउंडेशन के यूज़ करते हैं, चाहे आपका इंस्टिंक्ट आपको यही बता रहा हो कि आपने भी यही तरीका फॉलो करना है, आई वुड स्टिल से के स्टार्ट स्लो, आधे पम्प से शुरू करें, एक पम्प से शुरू करें एट मैक्स, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता देख सकें कि मे बी यू आर हैप्पी विद लाइक हाफ अ पम्प, मे बी यू आर हैप्पी विद द कवरेज यू आर गेटिंग फ्रॉम अ फुल पम्प, इससे ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ में से चीज़ को निकाल लेना मुश्किल होता है, उस पर एड ऑन करना आसान होता है। अगर आपको लगे कि आपको इससे ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आप ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसमें से निकालना अगर आपने ज़्यादा लगा लिया तो उसको करेक्ट करना काफ़ी हैसल हो जाएगा। इसलिए एज प्रिंसिपल ऑलवेज स्टार्ट स्लो, ऑलवेज स्टार्ट विद लेस प्रोडक्ट। पांचवा रूल या प्रिंसिपल ये होगा जनाब कि आपने किसी भी मेकअप टेक्निक को, कहीं से आपने कोई मेकअप टेक्निक सीखी है, कहीं से कोई आपने एप्लीकेशन प्रोसेस सीखा है, तो उसको आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करने की कोशिश आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कॉपी पेस्ट आप पे काम करे। जैसे मैं पहले भी एक दो दफ़ा हिंट कर चुकी हूँ कि हर चीज़ जो किसी और के ऊपर काम करती है आपको नज़र आती है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन टाइप के लिए सूटेबल हो, या हर इंसान का एक अपने हाथ को चलाने का तरीका होता है। हर मेकअप आर्टिस्ट लाइक जो टेक्निक स्कॉट बॉन्स अप्लाई करता है अपनी किसी वीडियो में, वो हमारे हाथों में वो मूवमेंट, हमारे हाथों में वो जादू नहीं होता जो किसी और मेकअप आर्टिस्ट के हाथों में होता है। सो माई पॉइंट इज़ कि हर टेक्निक, हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो टेक्निक आपने किसी की अप्लाई करने की कोशिश की और उसने आपके लिए काम नहीं किया तो आप उसको कम्प्लीटली डिसरिगार्ड कर दें। चीज़ों को अडेप्ट करने की कोशिश करें, कोशिश करें कि जो टेक्निक्स आप सीख रहे हैं उनके अंदर प्रिंसिपल क्या यूज़ हुआ है, उसको उसको उस पर गौर करने की कोशिश करें, एंड फिर उसको अपने चेहरे के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करने की कोशिश करें। एंड चीज़ों के साथ इट्स मेकअप, इट्स फन, लाइक इट गेट्स ऑफ एट द एंड ऑफ द डे, तो आप इसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, स्पेशली रात को जब आपका दिन गुजर गया, ख़त्म हो गया है एंड यू जस्ट हैव टू वॉश योर फेस, तो उससे पहले इज़ द परफेक्ट टाइम कि आप उस वक्त अपने मेकअप के साथ जितनी आपने एक्सपेरिमेंटेशन करनी है डिफरेंट टेक्निक्स के साथ वो कर लें, देन यू वॉश योर फेस एंड यू गो टू बेड। इसलिए डोंट टेक दीज टेक्निक्स टू सीरियसली, इनको अपनी नीड के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए भी, ताकि आप अपने लिए बेस्ट फाउंडेशन रूटीन खुद से बना सकें। एंड ये थे जनाब 5 रूल्स फॉर फ्लॉलेस फाउंडेशन। लेकिन इसके अलावा एक छठी बात जो मुझे आपके साथ करनी है वो ये करनी है कि कीप एन ओपन माइंड। अव्वल तो ये कि इट्स जस्ट मेकअप, डोंट टेक इट दैट सीरियसली। ऑफ कोर्स इट्स फन, ऑफ कोर्स इट्स मेंट टू एम्पावर यू, ऑफ कोर्स इट्स मेंट टू मेक यू लुक ब्यूटीफुल, फील ब्यूटीफुल, लेकिन आपको आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि विद और विदाउट मेकअप यू फील कॉन्फिडेंट एंड यू फील ब्यूटीफुल। मैं समझ सकती हूँ ये ह्यूमन नेचर होती है, मेरी भी नेचर है, ऑब्वियसली इफ आई एम रोलिंग आउट ऑफ द बेड तो मैं कैमरा ऑन करते हुए हमेशा कॉन्शियस फील करूँगी, आई वुड लाइक टू पुट सम मेकअप ऑन एंड देन कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो मैं इस बात को, इस फीलिंग को 100% अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन साथ साथ इस चीज़ को भी ट्राई टू एम्ब्रेस इट कि थोड़े से फ्लॉज नज़र आ भी गए तो खैर है, मेरे आंखों के नीचे की डार्कनेस नज़र आ भी गई तो खैर है, दैट इज़ समथिंग जो मैंने थोड़ी थोड़ी सीख लिया। ऑब्वियसली आई स्टिल फील अनकम्फर्टेबल कि मैं धुले मुंह के साथ आगे कैमरे के आगे बैठ जाऊं, आई डू दैट ऑन इंस्टाग्राम ऑल द टाइम, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए मैं हमेशा मेकअप करके आके बैठती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन कंसीलर ने सारा कुछ हाइड नहीं किया, आई डोंट केयर अबाउट दैट ऑल द टाइम, मेरी स्किन के पोर्स कभी नज़र आ भी रहे हैं आई डोंट केयर अबाउट दैट ऑल द टाइम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अपनी नेचुरल स्किन को एम्ब्रेस करने की कोशिश करें, और दूसरी बात यह कि हमेशा इस चीज़ को जहन में रखें कि जब किसी बंदे की वीडियो आप देख रहे हैं उसने वीडियो में फ़िल्टर लगाया हुआ या नहीं लगाया हुआ, इस वक्त मेरे कमरे में 4 ब्यूटी लाइट्स चल रही हैं। सो चाहे ये कि मेरी लाइटिंग पिछली वीडियोज़ में बहुत हॉरिबल रही है, बट आई हैव बीन ट्राइंग टू फिक्स माई लाइटिंग, एंड इस वक्त इतनी लाइटिंग के साथ मेरी स्किन में से बहुत सारी इंफेक्शंस ब्लर आउट हो रही हैं। सो जो चीज़ आप कैमरे पे देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आप जब उसे नेकेड आई से जब सामने खड़े होकर आप किसी शख्स को देखेंगे तो आपको उसकी स्किन इतनी फ्लॉलेस लगेगी जितनी आपको कैमरे पे लग रही है। सो कीप दैट इन माइंड कि वी हैव अ लॉट ऑफ टूल्स टू हेल्प अस आउट, इवन दो हम ब्लरिंग फिल्टर्स लगा रहे हो या ना लगा रहे हो, ब्यूटी फिल्टर्स चेहरे पे लगा रहे हो या ना लगा रहे हो, देर आर टूल्स
दैट हेल्प अस मिनिमाइज द फ्लॉज ऑन कैमरा. सो इस चीज़ को हमेशा नज़र में रखें, क्योंकि हम देखते हैं ब्यूटी यूट्यूबर्स को, हम उनकी स्किन को एस्पायर करते हैं, उन जैसा दिखने की हमारी कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्विक नोट हेयर कि हर एक की स्किन ह्यूमन स्किन होती है, हर एक की स्किन में फ्लॉज भी होते हैं, अच्छी बातें भी होती हैं, एंड यू जस्ट नीड टू एम्ब्रेस वॉट इज़ ब्यूटिफुल अबाउट योर स्किन एंड फॉरगिव योर सेल्फ फॉर वॉट यू थिंक इज़ नॉट ब्यूटिफुल. क्योंकि हर चीज़ की, इवन लाइक इम्परफेक्शंस की भी एक अपनी खूबसूरती होती है. एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज टेक टॉक. आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज वीडियो. इफ यू डिड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. सब्सक्राइब इफ यू नॉट सब्सक्राइब ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.